क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है कि व्यास है 12 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्तीय बेलन है, आकार का बर्तन जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये है आपके एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें क्या है? आइसक्रीम। देखो ध्यान दो, इसकी जो इसका व्यास दे रखा है कितना दे रखा है व्यास? 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी बताओ? 12/2, ये हो जाएगी आपके 6 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपके 15 सेंटीमीटर। अब ये पूरा किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से। हमें क्या बनाना है इससे? देखो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 और व्यास 6 वाला शंकु ध्यान से बनना है। आइसक्रीम की हाइट नहीं है ये, किसकी हाइट है? शंकु की हाइट है। आइसक्रीम तो क्या देना, 12 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी व्यास वाला शंकु है। एक दे रखा है आपके शंकु, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके? ऊंचाई है आपके 12 सेंटीमीटर। और जिसकी त्रिज्या कितनी है आपके? व्यास तो दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6/2 हो जाएगी 3। ये जो त्रिज्या कितनी है आपके? 3 है। इसने क्या कहा है? जिसका ऊपरी सिरा कैसा है आपके? अर्ध गोला का, ये वाला अर्ध गोला का है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना उन शंकुओं की संख्या जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। इसके आइसक्रीम जो इसके अंदर है वो इससे भरनी है। ऐसे रहने के पूरा पूरा आयतन इसके बराबर होगा, इसका आयतन इसके बराबर होगा, एक नहीं बहुत सारे शंकुओं के बराबर होगा। अब वो कितना है वो नंबर क्या करना है हमें ज्ञात करना। ऐसे करने की सारी सारी आइसक्रीम एक में आ गई, उसके लिए कम से कम 10, 15, 20 या 50 जो भी है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका आयतन इसके बराबर तो है प्लस इनकी संख्याओं के बराबर, ये कितने हैं ये ज्ञात करने। तो देखो इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है ये क्या बताओ? बेलनाकार है। क्या लेंगे ध्यान दो? बेलन का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु भी है और अर्धगोला है, दोनों साथ में लेना है। एक तो शंकु का आयतन भी लेना है प्लस अर्धगोले का आयतन भी लेना है। लेकिन ये तो केवल शंकु और अर्धगोले में केवल एक ही आइसक्रीम बनती है, हमें ज्यादा ज्ञात करनी है और वही हमें वही क्या होगा इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये आइटम इसके बराबर नहीं है, इससे ज्यादा आएगा। और ज्यादा जो आ रहा है वो क्या है? आइसक्रीमों की संख्या। इंटू कर देंगे हम आइसक्रीमों की संख्या। अब देखो बेलन का आयतन πr²h, इसमें r और h भी है, उसमें भी r h है, तो थोड़ा क्या मानेंगे अलग अलग। इसमें बड़ा h ले लो और बड़ा r ले लो, बड़ा h बड़ा r लेने से कोई त्रिज्या यहाँ बड़ी नहीं हो जाती, केवल ये नाम है सिंबल है अलग अलग, मतलब दिखने में अलग, कुल मिलाकर यहाँ इधर से ये कटे नहीं, बस इसके लिए ये शंकु का आयतन 1/3πr²h प्लस गोले का आयतन 2/3πr³, मतलब जो इसमें से अगर भाग लेंगे तो बड़ा आर और बड़े एच का प्रयोग करेंगे और इसमें हम छोटे आर और छोटे एच का प्रयोग करेंगे, इनटू आइसक्रीम संख्या कितनी मान ले हमने? x, n कुछ भी मान लो, मर्जी आवे जो a b c d कोई भी अक्षर ले सकते हो जो उसके अंदर नहीं हो, एच आर और एच नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी लिख सकते हो। यहाँ तो है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ देखो आपकी क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 और पाई कॉमन आ रहा है। देखो तीन भाग में इसके भी है और तीन भाग में इसके भी, ये तो आया कॉमन। ऊपर देखो एक का भाग इसमें भी जाता है, एक का भाग इसमें जाता है, एक कॉमन आ गया, पाई इसमें भी और पाई इसमें भी, इसमें पीछे क्या और आर भी है, आर स्क्वायर है पीछे क्या बचा? इसमें बचा है केवल एच और इसमें बचा है आपके 2/3, क्यों 2? क्योंकि 3 आके बाहर आ गया और एक आर ज्यादा है, इनटू क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे। जो जो कॉमन आ रहा है बाहर लो, कॉमन आपको समझ नहीं आ रहा है इसको अलग हल कर लो, इसको अलग हल कर लो, बाद में आप गुणा भाग कर सकते हो। अगर पाई से पाई कैंसिल, बाकी कोई कैंसिल नहीं होगा। आर कितना देर का इसका, इसमें कितना देर का है? 6 × 6 × 15 बराबर
एक बटा तीन। अब ये वाली याद, ये दे रखा है आपके तीन इंटू तीन बड़ा एच, मतलब ये वाली ऊंचाई प्लस दो इंटू आर बड़ा वाला आर, मतलब ये वाला आर तीन जो हमें ज्ञात करना है। तीन से तीन यहाँ होता है देखो 15 इंटू 6 90 90 जीरो भूल जाओ क्या इतना 9 9 इंट से कितना हो गया आपके 54 ये हो गया आपके 540। तीनों को आप गुणा करने पर आता है 540 बराबर 3 इंटू 12 प्लस 6 एक्स 540 बराबर 3 इंटू कितना हो गए 18x। ये गुणा में तो जाएगी भाग में या से और तो एक बार ये हो जाएगा आपके 54x गुणा कर लो गुणा है तो भाग में x का मान हो जाएगा 540 बटा 54 बराबर 10। कुल आइस कितने हो गए आपके 10।